हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका नर्सिंग एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। यहाँ अपन एग्ज़ाम और सेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए कुछ बुलेट पॉइंट देख रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो उसी को कंटिन्यू में रखते हुए आज अपन कुछ बुलेट पॉइंट के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, ये एक मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन पॉइंट को क्या कि आप जब समय बहुत ही कम होता है पढ़ाई करने के लिए, तो इन पॉइंट को सीधा ही देख के अपन किस चीज़ को याद कर सकते हैं, या फिर अपन ने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है सारी चीज़ें, तो एक रिवाइज्ड के लिए इन पॉइंट को अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इन पॉइंट्स के आधार पर कैसे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आइए अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो सर्जरी होती है, सर्जरी से पहले कितने समय पहले जो पेशेंट होता है उसके सॉलिड फ्लूड या फिर जो लिक्विड फ्लूड फूड होता है उसको विड्रॉल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखिए, अगर उस पेशेंट की सर्जरी जनरल एनेस्थेशिया के अंदर हो रही है तो 6 to 8 hours बिफोर ही विड्रॉल करेंगे, और लोकल एनेस्थेशिया के अंदर है तो 3 hours बिफोर ही विड्रॉल करेंगे, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन है पॉइजन से रिलेटेड। पॉइजन से रिलेटेड अगर जैसे क्वेश्चन आता है कि किसी पर्सन ने पॉइजनस इंजेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपना फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, तो फ्रेंड्स ध्यान में रखना है कि वहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन ये होगा कि अपने को जो पॉइजन कंट्रोल सेंटर है उसको कॉल करना है बिना किसी एक्शन के किए, है ना। मतलब बिफोर इंटरवेंशन अपने को पॉइजन कंट्रोल सेंटर में कॉल करना है। इसके बाद में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर जैसे क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम के अंदर कि कोई चाइल्ड है, उसने क्या है हाउस होल्ड क्लीनर से है, ठीक है, उनका इंजेस्ट करने आए, तो अपने का एक्शन क्या रहेगा, तो उसमें ध्यान रखना है अपने को उन एक्शन के अंदर, या फिर कौन सा एक्शन नहीं होगा, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो वहाँ पे ध्यान रखना है अपने को कि वॉमिटिंग नहीं करवानी है, ठीक है, क्योंकि ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट या क्लीनर्स जो होते हैं उनसे अगर अपन वापस वॉमिटिंग इंड्यूस्ड करवाते हैं तो फर्दर ट्रैक को क्या है नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अपने को ऐसा नहीं करना है। इसके बाद में एक और ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि जब कभी भी अनकॉन्शियस क्लाइंट है तो उसके अंदर वॉमिटिंग इंड्यूस नहीं करवानी है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, अगर पेशेंट हैं, ठीक है, उसको अपन ने फिजिकल रिस्ट्रेंट कर रखा है, तो उसके अंदर क्या करना है अपने को, एवरी 30 minutes उसका स्टेटस को चेक करना, सर्कुलेटरी वास्कुलर को। इसके बाद में एवरी 2 hourly उसको रिलैक्स्ड करना है मसल एक्सरसाइज के लिए और सर्कुलेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, रिमूव करना है। तो यह एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने समय बाद उसको असेस करेंगे, तो असेस करने का टाइम होता है वो 30 minutes होता है, और रिमूव करने का जो टाइम होता है वो एवरी 2 hourly होता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, फायर सेफ्टी, है ना, फायर सेफ्टी के अंदर देखिए आप, जब फायर हो जाती है फायर कहीं पे भी, तो सबसे पहले अपना एक्शन क्या रहेगा, तो इसको अपन रेस निमोनिक्स से याद रख सकते हैं। सबसे पहले आर का मतलब होता है रेस्क्यू द क्लाइंट, सबसे पहले अपने को क्लाइंट का रेस्क्यू करना है हॉस्पिटल के अंदर अगर रहता होता है, ठीक है। उसके बाद में अलार्म को एक्टिवेट करना है, अलार्म को एक्टिवेट करने के बाद में अपने को क्या करना है, CC4 कन्फाइंड द फायर, ठीक है, कन्फाइंड द फायर। और इसके बाद में फाइनली अपने को क्या करना है, एक्सटिंग्विश द फायर, फायर एक्सटिंग्विश, है ना, फायर एक्सटिंग्विश, फायर को ख़त्म करना, नष्ट करना है, ठीक है। कन्फाइंड फायर का मतलब फायर को क्या है एक सीमित एरिया तक रखना है, ठीक है। अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं आसपास जो उससे आग से कनेक्ट होकर जल सकती है, तो उनको क्या करना है दूर रखना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट अपन देखा इसके अंदर एक्सटिंग्विश द फायर, तो जो फायर एक्सटिंग्विश कैसे करते हैं या एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज करते हैं उसके लिए भी निमोनिक्स है, वो निमोनिक्स है पास PASS यूज फायर एक्सटिंग्विशर। P4 यह होता है पी पुल द पिन ऑन द फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसके ऊपर अगर पिन लगी हुई तो उसको क्या करना है पुल करना है। इसके बाद में M8 base ऑफ द फायर, ठीक है, जो फायर चल रही है उसके अपना जो बेस होता है वहाँ पे अपने को डिसाइड करना है, ठीक है, वहाँ पे अपन को फायर एक्सटिंग्विशर सेट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट होगा स्क्वीज द एक्सटिंग्विशर हैंडल, जो एक्सटिंग्विशर जो हैंडल्स होता है उसको क्या करना है अपने को स्क्वीज करना है। स्क्वीज करने के बाद में फाइनली SS का मतलब देखिए स्वीप एक्सटिंग्विशर फ्रॉम साइड टू साइड टू कोट द एरिया ऑफ फायर इवेंटली, ठीक है। इसके बाद में स्क्वीज करने के बाद स्वीप करना है, ठीक है, साइड टू साइड जहाँ पे भी फायर हो रही है वहाँ पे, तो इस तरह से अपने को फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करना है, ठीक है। तो इन निमोनिक्स के आधार पर इन दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे रेस्क्यू क्लाइंट नहीं दिया तो सीधा अपने को फर्स्ट एक्टिवेट क्लाइंट जो अलार्म्स होगा उसको
टिक करना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ मैंने कुछ एक दिया है जो बुक्स में से मैंने कुछ नोट्स को यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बताया है। इसके अंदर देखिए कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन, ठीक है, जो स्टोन होते हैं, जो अपन डिफरेंट टाइप के स्टोन पढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो गया, कैल्शियम हो गया, यूरिक एसिड हो गया, तो इनमें से एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर कौन कौन से टाइप का स्टोन हो सकता है, ठीक है। इस तरह से ये एनेक्सर यहाँ पे बनाया गया है। सबसे पहले देखिए ऑर्गन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन होता है मोस्ट कॉमनली कोलेस्ट्रॉल टाइप का हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में पेनक्रियाज के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हो आप किडनी के अंदर कैल्शियम ऑक्सैलेट, इसके बाद में प्राइमरी ब्लैडर स्टोन कैल्शियम ऑक्सैलेट और सेकेंडरी ब्लैडर स्टोन दैट इज यूरिक एसिड। इसके बाद में आप देखोगे प्रोस्टेट जो कैंसर होता है, सॉरी प्रोस्टेट के अंदर स्टोन है तो दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट, और इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड के अंदर है यहाँ पे या फिर सब वेंट्रिकुलर रीजन में है तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोन यहाँ पे मोस्ट कॉमनली होते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए चॉइस ऑफ फ्लूड भी मैंने यहाँ पे बताया है कि जो पर्टिकुलर जो फ्लूड होते हैं वो कहाँ पे चॉइस होते हैं। इसे बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जैसे पे क्लाइंट है, बर्न्स वाला क्लाइंट आया है तो फर्स्ट 24 आवरली उसको कौन सा फ्लूड देंगे, है ना। जैसे अगर कोई पर्सन है जैसे ब्रेन इंजरी से आया है तो उसको सबसे पहले कौन सा देंगे, जैसे कोई पर्सन है उसको हाइपोनेट्रीमिया से आया है तो उसको सबसे पहले कौन सा फ्लूड देंगे। तो इस तरह से चॉइस ऑफ फ्लूड यहाँ पे बताए गए। सबसे पहले देखिए रिंगल लैक्टेट जो RL होता है, ठीक है, RL को बैलेंस्ड साल्ट सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। अगर पर पेशेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से है उसमें तो वहाँ पे अपन फ्लूड ऑफ चॉइस क्या रखेंगे, RL रखेंगे। इसके बाद में अगर पर्सन बर्न से आया है तो फर्स्ट 24 आवर्स में जो चॉइस ऑफ फ्लूड होगा वो कौन सा होगा, RL होगा। इसके बाद में इंट्रा ऑपरेटिव फ्लूड मैनेजमेंट, ठीक है, इंट्रा ऑपरेटिव जो फ्लूड मैनेजमेंट होता है ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर तो वो भी RL ही यूज करते हैं क्योंकि ये बैलेंस्ड साल्ट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए आप कोलोइड्स, जो कोलोइड्स ऑफ फ्रूट्स होता है वो किन किन चीज़ों में अपन फ्लूड ऑफ चॉइस रखेंगे या यूज करेंगे। सबसे पहले रीनल फेलियर में हमेशा कोलोइड यूज करते हैं। इसके बाद में लीवर फेलियर के अंदर भी कोलोइड यूज करेंगे। इसके बाद में यूज्ड आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्न, ठीक है, बर्न के केसेस में फर्स्ट 24 आवर्स अपन RL यूज करेंगे और जो सेकंड जो 24 आवर्स हैं उनको में अपन क्या यूज करेंगे, कोलोइड सॉल्यूशन यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स नॉर्मल सेलाइन का यूज करते हैं। सबसे पहले हाइपोनेट्रीमिया से अगर पेशेंट आया है तो उसको अपन नॉर्मल सेलाइन यूज करेंगे। इसके बाद में अगर ब्रेन इंजरी वाला पेशेंट आया है तो उसके अंदर नॉर्मल सेलाइन यूज करेंगे। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, है ना, डायबिटिक कीटो एसिडिटी या फिर हाइपोक्रोमिक मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, इन दोनों कंडीशन के अंदर अपन नॉर्मल सेलाइन यूज करते हैं। एग्जाम के अंदर पूछा गया है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में कौन सा फ्लूड ऑफ चॉइस होगा, ठीक है, तो नॉर्मल सेलाइन। इसके बाद में देखिए हाइपरटोनिक जो सेलाइन होते हैं उनको कहाँ कहाँ यूज करेंगे। सबसे पहले अगर सेरिब्रल और पल्मोनरी एडिमा हुआ है तो वहाँ पे अपन उस एडिमा को कम करने के लिए हाइपरटोनिक सेलाइन का यूज करते हैं। और इसके बाद में जो हाइपोनेट्रीमिया होते हैं उसके अंदर भी हाइपरटोनिक सेलाइन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अभी तक जो पूछे गए क्वेश्चन है वो एक RL के लिए पूछा गया बर्न के केसेस में। इसके बाद में ये दूसरा क्वेश्चन ये 24 आवर्स आफ्टर बर्न कोलोइड का वाला पूछा गया है और इसके बाद डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का भी पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको अच्छे से पढ़ना और एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी गलती मत करना, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एग्जाम पिछले एग्जामों के अंदर जो सूचर होते हैं, सूचर के जो एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं उनका एब्जॉर्बेशन कितने दिनों में हो जाता है उसके आधार पे क्या है कि क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए मैंने इस स्लाइड को बनाया है। इसके अंदर सबसे पहले देखिए आप प्लेन गेटगट होता है जो कि शीप की इंटेस्टाइन से डेरेड होता है, उसको एब्जॉर्बेशन होने में 7 to 10 days लगते हैं, ठीक है। या फिर क्रोमिक कैटगट की बात करते हैं, अपन कैटगट की अगर बात करते हैं तो क्रोमिक है ना, क्रोमिक वाले कैटगट की बात करते हैं तो वो 90 दिन के अंदर वो उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके बाद में अपन पोलीगैलेक्टिन
पोली गैलेक्टिन की बात करते हैं तो वो 60 to 90 days के अंदर एब्सॉर्व हो जाता है। और इसके बाद में अपन अगर बात करेंगे पोली ग्लाइकोनेट की बात करें तो 180 days लगेंगे। और इसके बाद में अपन पोली ग्लाइकोलिक एसिड या फिर उसका दूसरा नाम विक्रिल को अगर बात करते हैं तो 60 to 90 days के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन PDS की बात करते हैं, पोली डाई एक्सोन की बात करते हैं तो 180 days के अंदर हो जाता है। और अपन अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर फ्रेंड्स की लॉन्गेस्ट एब्जोरेबल सूचर मटेरियल्स टाइम के आधार पे कौन सा है, तो वो कौन सा है, PDS है। ठीक है, इसके बाद देखिए पोली ग्लाइकेप्रॉन, जो पोली ग्लाइकेप्रॉन होता है वो 90 से लगा के 120 दिन के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन टाइम होता है। ठीक है, तो इसके अंदर से क्वेश्चन नोट सेट के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स हाइफेमा किसको कहते हैं, हाइफेमा का मतलब ये होता है, टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, आई के अंदर प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन एंटीरियर चैम्बर इज कॉल्ड द हाइफेमा। जो आई इसके अंदर जो एंटीरियर चैम्बर होता है उसके अंदर अगर ब्लड प्रेजेंस होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइफेमा बोलते हैं। और अगर किसी पर्सन को हाइफेमा हुआ है तो उसको अपन पर्सन को सेमी फाउलर पोजिशन देंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए एक्यूट रिजेक्शन ऑफ किडनी फॉलोज 1 to 2 weeks आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन 1 to 2 weeks के बाद अगर एक्यूट रिजेक्शन होता है किडनी, ठीक है, तो वहाँ पे उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्यूट रिजेक्शन कहेंगे। इसके बाद में देखिए कि जो डायलिसिस होता है, ठीक है, हीमोडायलिसिस होता है, डायलिसिस किसी पेशेंट का करते हैं तो उसके बाद में उस पेशेंट का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, ये डायलिसिस मशीन की वजह से होता है। जो डायलिसिस मशीन होती है वो ब्लड को स्लाइडली क्या करती है, वार्म करती है। इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि डायलिसिस के तुरंत बाद भी नर्स एक पेशेंट को असेस करती है, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा स्लाइटली एलिवेटेड आ रहा है, तो वहाँ पे क्या नर्सिंग एक्शन होगा, कॉल द फिजिशियन होगा या फिर कुछ नहीं करना है, स्पंजिंग करना है या कोई मेडिकेशन प्रोवाइड करना है, इस तरह से ऑप्शन होंगे। तो ध्यान में रखना है कि वो यह एक नॉर्मल फिनोमेना है। ठीक है, इसके बाद में देखिए डाइट इन कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम के अंदर डाइट के बारे में बताया गया कि कुशिंग सिंड्रोम के अंदर जो डाइट होती है वो लो सोडियम और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है। ठीक है, और प्रोटीन और पोटेशियम ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए PPP के आधार पर इसको याद कर सकते हैं, प्रोटीन पोटेशियम PIC। ठीक है, और लो क्या होगा, सोडियम और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। इसके बाद में देखिए कुशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग रहता है बार बार। ठीक है, एग्जाम के अंदर जब अपन इन ऑप्शंस को देखते हैं तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कुशिंग सिंड्रोम का मतलब इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, ओनली कॉर्टिसोल है ना। और एडिसन डिजीज का मतलब क्या होता है, डिक्रीज सेक्रेशन ऑफ एडिनल कॉर्टेक्स हॉर्मोन। एडिनल कॉर्टेक्स से जो सर्किट होने वाले जो हॉर्मोन होते हैं, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, उन सभी का डिक्रीज सेक्रेशन होता है, तो उसको कलेक्टिवली अपन एडिसन डिजीज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम जो होता है उसका जो अर्ली साइन होता है वो कौन सा होता है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा होता है। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम की वजह से क्या है कि एडिमा होता है, और स्टार्टिंग जो एडिमा देखा गया है वो पेरी ऑर्बिटल एरिया के अंदर देखा गया है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि अर्ली साइन ऑफ सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम, दैट इज पेरी ऑर्बिटल एडिमा। इसके बाद में देखिए हीमेटोक्रिट वैल्यू, देखिए यहाँ पे जो मेल होते हैं उस मेल की जो हीमेटोक्रिट वैल्यू होती है वो मेल की जो हीमेटोक्रिट वैल्यू होती है दैट इज 42 से लगा के 48 होती है, फीमेल की होती है 38 से 46। और इसके बाद में चिल्ड्रन की हीमेटोक्रिट जो वैल्यू होती है दैट इज 38 to 49, और न्यू बॉर्न के अंदर 49 to 54 हीमेटोक्रिट वैल्यू होती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट WBC, इट इज़ यूजली हॉर्स शूज लाइक न्यूक्लियस। जो WBC की अगर बात करें उसके अंदर जितने भी WBC टाइप्स आते हैं उनके अंदर जो मोनोसाइट होती है उसको लार्जेस्ट होती है, और उसका जो शेप होता है वो हॉर्स शू लाइक होता है। ठीक है, अपन बात करेंगे हार्ट साउंड इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ हार्ट वॉल। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हार्ट साउंड होता है किसकी वजह से होता है। कभी ऑप्शन होता है ओपनिंग ऑफ हार्ट वॉल, क्लोजिंग ऑफ हार्ट वॉल, इस तरह से और भी ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हार्ट जो वॉल होते हैं वो क्लोज होते हैं उसकी वजह से हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए
इंक्रीज्ड एज विथ ब्लड प्रेशर इज हाई ड्यू टू डिक्रीज इलास्टिसिटी इन आर्टेरियल वॉल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम के अंदर कि जब एज बढ़ती है तो उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर हाई होता है उसके पीछे क्या रीज़न है। तो रीज़न ये देना अपने को, डिक्रीज इलास्टिसिटी इन आर्टेरियल वॉल, जो आर्टेरियल वॉल होते हैं उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है एज बढ़ने के साथ, इसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, मीन पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर, नॉर्मली मीन पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर कितना होता है तो 20 से लगा के 25 mmHg होता है मीन पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, इसके बाद में देखिए लेयर्स ऑफ एन आर्टरी, जो आर्टरी होती है उसके अंदर तीन लेयर होती है, इंटरना, मीडियल और एक्सटर्ना। ठीक है, जो ट्यूनिका इंटरना होती है वो एंडोथीलियम की बनी होती है, किसकी, एंडोथीलियम की बनी होती है। जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो किससे बनी होती है, स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से बनी होती है। इसके बाद में जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है वो किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। तो एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन आ सकता है ट्यूनिका इंटरना किसके बनी होती है, दैट इज एंडोथीलियम, ट्यूनिका मीडिया किससे बनती है, स्मूथ मसल या इलास्टिक फाइबर से, और ट्यूनिका जो एक्सटर्ना होती है दैट इज बाय कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर, इसके बाद में देखिए टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ लो सोडियम डाइट द नर्स शुड चेक चेंजेस इन द बॉडी वेट। ठीक है, सोडियम डाइट, जो लो सोडियम डाइट है उसका इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए जो मेन क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहेगा, बॉडी वेट रहेगा, इस तरह से उसके अंदर चेंजेस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में आज का अपना जो बुलेट पॉइंट का टॉपिक है वो यहीं तक रहा है, फिर अपन नेक्स्ट कल दूसरे वीडियो के अंदर और भी सारे बुलेट इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी तुरंत वीडियो बनाऊँ तुरंत ही आप लोगों तक पहुँच पाए। ठीक है, और फ्रेंड्स इन बुलेट पॉइंट को आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, इनमें से कुछ जो पॉइंट्स हैं वो सीधे सीधे एग्ज़ाम के अंदर पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कल। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।